जहां केंद्रीय शैक्षिक संस्थानों में 2 लाख से भी ज्यादा सीटों को जोड़ने और सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10% आरक्षण लागू करने का रास्ता साफ हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ इसके साथ ही झारखंड की राजनीति भी गर्माने लगी है। झारखंड में अनुसूचित जनजाति पर विशेष पकड़ रखने वाली प्रमुख विपक्षी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा बीजेपी सरकार का विरोध कर रही है। इनका कहना है कि स्वर्णों के लिए नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण देने के पीछे भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी चाल है और आरक्षण देकर स्वर्णों की वोट हासिल करना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। तो आरक्षण का मतलब क्या होगा? तो खत्म हो जाना चाहिए। आरक्षण खत्म करने की दिशा में तो आगे बढ़ ही रहे हैं। उसमें कहां कोई आरक्षण खत्म करने की साजिश जाए? आरक्षण खत्म करने की दिशा में तो शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी इसके पक्ष में रही है। सवर्णों को आरक्षण दे करके ये चाहते हैं कि आरक्षण लो वोट दो, 500 रुपया महीना लो वोट दो, यही है इनका खैरात बांटने का तरीका। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत 4 राज्यों में पिछले लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में मात खाने के बाद भारतीय जनता पार्टी सवर्णों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील हुई थी। पहले तो इसने आर्थिक रूप से पिछले हुए सवर्णों के लिए 10% नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में सीट देने की बात कही थी और इसके बाद अब चुनाव आयोग से अनुमति लेकर पिछले सोमवार को हुए केंद्रीय कैबिनेट में, जिसमें प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में यह बैठक हुई थी, उसमें लगभग केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में 2 लाख सीटों का सृजन कर इसके मार्ग प्रशस्त कर दिए हैं। तो वहीं इसके विपरीत झारखंड में आदिवासियों को वोट को एकजुट करने के लिए प्रमुख विपक्षी राजनीतिक दल झारखंड मुक्ति मोर्चा इसे भारतीय जनता पार्टी द्वारा आरक्षण को समाप्त करने का एक कदम बता रहा है। यानी भारतीय जनता पार्टी हो चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा, दोनों ही समाज के एक वर्गों को अपने पक्ष में चुनाव में गोलबंद करने का प्रयास कर रहा है। अब इस गोलबंदी में कौन कितना सफल होता है यह तो चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा। पंजाब केसरी के लिए दुमका से वीरेंद्र कुमार झा।